सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गर्ल्स राइट पे आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करते हैं, जहां पे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि मोफा क्या है, मोफा कब लगता है, मोफा लगने के कितने दिन बाद वीजा मिलता है, मोफा लग जाता है तो वीजा मिलेगा कि नहीं, इस बारे में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ एक ही वीडियो में। सो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखी रहिए। आज मैं थोड़ा बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ ताकि थोड़ा मुझे भी फ्री महसूस हो, आप लोगों भी देख ले कि ये जो जगह है ये एक जिद्दा का एक बेहतरीन प्लेस है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी इस वक्त सऊदी अरबिया के जिद्दा सिटी में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को आज मोफा के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, मोफा का जो फुल फॉर्म होता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। सो मोफा कब लगता है? जी हाँ दोस्तों, सोच लीजिए कि आप किसी कंसल्टेंसी या एजेंट के पास गए हैं और आप किसी एजेंट के सामने इंटरव्यू दिए हैं, उसके दौरान आपको ऑफर लेटर मिला है, या फिर आप किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू गल्फ कंट्री से आपको फोन आया है, आप इंटरव्यू दिए हो उसके दौरान आपको ऑफर लेटर मिला है, या आपका कोई दोस्त या रिलेटिव बाहर की कंट्री में रहता है वो आपका रेफरेंस किया है, उसके दौरान आपका इंटरव्यू होके आपके पास ऑफर लेटर आया है। जी हाँ, तीनों ऑफर लेटर जेन्युइन है, वो आप जाँच भी कर सकते हो। उसके बाद आपका जब ऑफर लेटर आ जाता है तो आपका क्लाइंट और आपका जो कंसल्टेंसी है वो आपको गमका मेडिकल के लिए बोलता है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी के लिए गमका मेडिकल ही लगता है। तो आप जब गमका मेडिकल के लिए जाते हो उससे पहले आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके लिए कुछ चार्जेस देना पड़ता है। उसके बाद आप जाते हो उसी ऑनलाइन सेंटर पे जहाँ पे आपका नाम आया है, उस मेडिकल सेंटर में ही आपको जाना होगा, उसी में जाके आपको मेडिकल करवाना होगा। या दोस्तों, आप जब मेडिकल करवा लिए उसका एक या दो दिन बाद आप कॉल करके जान सकते हैं आपका मेडिकल फिट है या अनफिट है, लेकिन आपको मेडिकल वाला आपको हाथ में आपका मेडिकल रिपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए आपको बोलेगा आप अपना एजेंट से आपका जो मोफा नंबर है वो लेके आइए। जब आप मोफा नंबर लेके आप उनको देंगे तब आपको वो लोग आपको आपका मेडिकल रिपोर्ट हाथ में देगा। तो आपका एजेंट क्या करता है, जब आपका मेडिकल फिट आता है आपका एजेंट आपके कंपनी से कंसल्ट करके एक मोफा नंबर निकलता है। जो मोफा नंबर है वो है एक वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म और मोफा नंबर दोनों अलग है, लेकिन जो मोफा नंबर है वो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का जो पहला स्टेप है वो होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जब मोफा नंबर आप क्रिएट करता है उसके बाद आपको एजेंट आपके हाथ में मोफा नंबर देते हैं, आप उसके बाद जाते हो मेडिकल सेंटर में, जाने के बाद आप अपना रिपोर्ट कलेक्ट करते हो। कभी कभी आपका मेडिकल आपका जब मेडिकल में जाते हो या आपका एजेंट बोलता है कि मैं आपका रिपोर्ट कलेक्ट कर दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि आपका एजेंट या कंसल्टेंसी के पास आप अभी तक मोफा नंबर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर वो लोग मोफा नंबर क्रिएट नहीं कर पाता तो थोड़ा लेट करता है, इसीलिए आपको बोलता है कि मैं आपका मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट कर लूँगा। तो उनको जब मोफा नंबर मिल जाता है वो मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट कर लेता है। तो मोफा मेडिकल रिपोर्ट जब कलेक्ट कर लेता है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका एजेंट या कंसल्टेंसी वाला आपका मोफा नंबर मेडिकल से अटैच करके आपका पासपोर्ट का कॉपी, आपका व्हाइट बैकग्राउंड फोटो, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके सऊदी एम्बेसी में जमा करते हैं मुंबई में। मुंबई में हफ्ते में दो दिन स्टैंपिंग होता है, उसी दौरान अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो गया पासपोर्ट के साथ, मान के चलिए कि एक हफ्ता से दो हफ्ते के अंदर आपका वीजा स्टैंपिंग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मोफा लगने के बाद एक से दो हफ्ते के अंदर आपका स्टैंपिंग हो जाना चाहिए, मैक्सिमम तीन हफ्ते। उससे लेट होकर हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कंपनी के पास वीजा अवेलेबल नहीं है, इसीलिए लेट कर रहा है। तो कभी कभी लगता है एक महीने से के ऊपर जाता है, लेकिन उससे ऊपर अगर जा रहे हो तब मुश्किल है। 80-90% चांस है कि मोफा लगने के बाद आपका एक महीने के अंदर स्टैंपिंग हो जाता है। उससे अगर ऊपर जा रहा है तो आपका एजेंट से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कंपनी से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि मोफा किस कारण लगता है और मोफा के कितने दिन बाद वीजा लगता है। तो अगर मेरे टॉपिक को आपको समझ में आया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर आपको कोई पूछना है आप कमेंट में आके पूछिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, या फिर किसी टॉपिक पे अगर आपको हेल्प चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जाइए नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही।